भारत के सभी किसान भाइयों को कॉटन गुरु का सादर नमन। हर 3 महीने में कॉटन गुरु FPO की एक मीटिंग करता है। FPO मतलब फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी, उनकी मीटिंग्स हम करते हैं और 3-3 महीने में हम उन्हें गाइड करते हैं कि आगे की बाज़ार की स्थिति क्या होगी, खास करके कपास में, और कहां से उनको बेस्ट भाव मिल पाएंगे, कॉटन की गुणवत्ता के कौन अच्छे भाव दे रहा है। ऐसे ख़रीदारों से हम उनकी मुलाकात कराते हैं, बात कराते हैं, फिर उनके साथ में टाइप कराते हैं। अच्छी अच्छी कंपनीज के साथ में हम उनकी मुलाकातें कराते हैं, जो सीड कंपनीज हैं, फर्टिलाइज़र कंपनीज हैं, एग्री इनपुट कंपनीज हैं, टेक्नोलॉजी कंपनीज हैं, उनके साथ में मुलाकात करवाते हैं या उनको गाइड करते हैं कि किस किन कंपनियों से वो लाभ ले सकते हैं। लाभ लेना इसलिए ज़रूरी है कि एक साइड आपको ऊंचे भाव पे कपास बेचना है, दूसरी साइड सस्ते भाव से आपको आपकी जो ज़रूरत की चीज़ें हैं वो आपको ख़रीदना है। तो इस FPO मीट में 22 फरवरी की मीट में बहुत सारे FPO के डायरेक्टर ने हमें रिक्वेस्ट किया कि कॉटन गुरु एक ऐसा प्लेटफॉर्म ऑलरेडी बन चुका है, लेकिन उसको एक फॉर्मल रूप देना ज़रूरी है, एक एजेंसी का रूप देना ज़रूरी है कि वो एक एजेंसी का रोल अदा करे, एक सोशल एंटरप्रेन्योर का रोल अदा करे और कॉटन गुरु इन सभी FPOs को मदद करे ऊंचे भाव में अपना खेती के प्रोडक्ट्स बेचने में और नीचे भाव में उनकी ज़रूरत की चीज़ें लेने में। इसी हेतु से कॉटन गुरु ने बल्क बाइंग प्लेटफॉर्म किसानों के लिए शुरू किया है, खास करके FPOs के लिए। इस बल्क बाइंग में हम आपको सीड, फर्टिलाइजर्स और कुछ ज़रूरी पेस्टिसाइड्स, खास करके जो ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स हैं और सीड्स हैं, वो हम आपको खरीदने में मदद करेंगे। और डिस्काउंट्स, जो बल्क डिस्काउंट, एक किसान को डिस्काउंट मिलना पॉसिबल नहीं है, 10-20 किसान को छोटा मोटा डिस्काउंट मिल सकता है, लेकिन हमारे साथ जो 25-30 FPO जुड़े हुए हैं, इसमें करीबन 40,000 किसान हैं, तो इतने किसान अगर अपनी खरीदी लेकर एक साथ आते हैं तो बहुत अच्छा डिस्काउंट मिल सकता है। लेकिन कहना ईजी है, करना बहुत मुश्किल है, और कॉटन गुरु ने अगर इस मिशन को लिया है हाथ में तो आप सबका इसमें सहकार भी उतना ही ज़रूरी। हम जब बोले, जैसे बोले, आपको करना ज़रूरी है। जब हम आपके सैंपल मांगे तो आपके सैंपल समय पे आने ज़रूरी हैं, अगर कुछ बेचना है, जब कुछ खरीदना है, हम कोई मीटिंग में आपको बुलाते हैं, अगर आपने हाँ बोला है कि हम उस मीटिंग में आएंगे, तो आप उस मान के चले कि उस मीटिंग में कुछ कंपनीज़ के बड़े अधिकारियों को हमने बुला के रखा होगा आपसे बात करने के लिए। तो अगर आप उस मीटिंग में समय से नहीं आते हैं या उस दिन नहीं आते हैं, हमें पहले नहीं बताते हैं कि आप नहीं आ पाएंगे, तो हम इस बारे में आपके लिए और ज़्यादा कुछ नहीं कर पाएंगे। हमें खेत के साथ आपको बोलना पड़ेगा कि आप जैसे चल रहे थे वैसे ही आप आगे चलिए। ये बात को मैं थोड़ा स्ट्रॉन्गली इसलिए बोल रहा हूँ कि बड़ी कंपनीज़ के अफसरों का समय लेना, उनके MDs का समय लेना कोई खाने का खेल नहीं है। 3 महीने में वो 1 दिन का समय देते हैं और उस समय का जो 1 घंटा या आधा घंटा हमें मिलता है, उसका पूरा उपयोग हमें करना होता है। आप अगर एक बिजनेसमैन बनना चाहते हैं मेरे किसान भाइयों, तो टाइम की वैल्यू आपको समझना होगा। समय अपने पास कम है, सोइंग की सीज़न अपने सर पे है। मई, जून, जुलाई में आपकी सबकी सोइंग शुरू होगी, मार्च महीना ऑलरेडी शुरू हो चुका है 2020 के साल में। तो अगर कुछ खरीदी करना है तो ये राइट समय है नेगोशिएट करने का। तो वार्तालाप होगा, फिर नेगोशिएट होगा। आप सभी से जो प्रश्न कॉटन गुरु आपके व्हाट्सएप ग्रुप में आपको फ़ोन के माध्यम से करते हैं, उनका सही जवाब और सही समय पे जवाब अगर हमें मिल जाता है तो बहुत कुछ अभी भी पॉसिबल है। आप सोचिए, आप सबके अगर टोटल परचेस में आपको अगर 10-20% का फर्क पड़ जाता है तो कमाई जब होगी तब, लेकिन बचत तो आज ही आपकी हो सकती है। और ये अच्छी गुणवत्ता वाला माल सभी कंपनी से डायरेक्ट आपको दिलाने की कॉटन गुरु की ये जो मुहिम है, ये जो प्रयास है, उसको सार्थकता तभी मिल पाएगी जब आपका सपोर्ट मिलेगा। तो सभी FPO से, उनके डायरेक्टर्स से और उनके मेंबर्स से हमारा आह्वान है कि आप अलर्ट रहिए, सजाग रहिए। कॉटन गुरु के साथ जब भी आपकी कोई भी मीटिंग सेट होती है उसको बिल्कुल मिस मत करिए, और अपनी तरफ से जो इनपुट्स हमने आपसे मांगा है, फीडबैक मांगा है, वो समय से हमें दीजिए और हमारे टच में रहिए। तो नई सीज़न शुरू होने से पहले, बुआई से पहले, जितना मैक्सिमम फ़ायदा हम आपको कर पाए, हम आपको करके ज़रूर देंगे। आगे आने वाली सीज़न के लिए कॉटन गुरु की तरफ से आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं।